अगर अगर मैं तुम्हारे कोई अंध बंधम हो, अंध बंधम छोड़ा, ऐसे ऐसो आदमी लेके अब कि इंसान तुम हो कहो कि यहाँ पांचे खेले आओ, अभी ठहर जाओ, अभी मैं इसी जंगल में अपने भाई को साथ में लाऊंगा, तुम्हारे साथ जुआ खिलाऊंगा। हाँ तो ले भाई ले, महिमा का बात। और हाँ तुम अपने ऐसो कोई दोस्त हो बोले, और दोस्त हो तुम्हारे? अरे दोस्त ऐसा नहीं मेरे भाई से, उनकी बाउंड्री में तहसील कोई बाउंड्री तक दूरी करने वाला नहीं। मैं भी ऐसे नाला निकले तुम्हारे साथ में जुआ खेल लिया और साई पोशाके तेरे बछड़ा हार गए। प्रेमियों ठीक ठीक, रानी मोती ने अपने देवर के वस्त्र तेगा बछेड़ा सब जुआ में जीत लिया। टाइम होगा 10 बजे का, मैं सोचते भाई के पास जाऊंगा, भाई को बताऊंगा भैया मैं तेगा बछेड़ा सब जुआ में हरा दिया, मैं जंगल में जुआ खेले गए। तो भाई साहब मेरे कहेंगे मेरे माता पिता जेल के अंदर हैं और तुमने सोचा कि मेरे सगे माता पिता राजन के हैं इसलिए तुमने जुआ खेल लिया है, मैं कैसे अपने भाई को मुक्त दिखाऊंगा? हे भगवान आज देखिए माना मनसुख जहाँ हमारे भाई साहब तमुआ में सो रहे उनके पास किस तरीका से जाते हैं। करनी करके क्यों डराई क्यों पाछे पछताई, टेड़े बे बबूल के जवान सही, सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे उसूलों से, महक आ नहीं सकती जवानों का गज के फूलों से। अगर सच्चाई अपने भाई को नहीं बताऊंगा तो भाई के माता पिता जेल के अंदर हैं, भाई हमारे हमें भी परेशान करेंगे और अपनी माता के वियोग में रो रो के अंधे हो जाएंगे। मने जुआ खेलो हमसे अभागो कोई दुनिया मनाई, हमने तेरा बछड़ा समझू हम गिरनु हर्राओ, अपने भाई मुई मुकरा कैसे दिखाई जियतु।
जहां हमारे बड़े भाई साहब हैं आत्मो में आराम करते हैं, आज मैना मनसुख अपने बड़े भाई के पास पहुंचते हैं और बड़े भाई को सारी बात बताते हैं। भैया मैंने कहा जयराम जी की, जयराम जी की, अरे कहो कपड़ा बद, भैया कपड़ा गंदे हो चुके थे, ते गांव में धार नहीं रही थी, मैंने कपड़ा धोबी के डलवा दिया धुलने के लिए और ते का लुहार के डलवा दिया स्नान लगवाने के वास्ते। भैया ये हालत तुम्हारी, तुमने इतनी जल्दी तुम्हारे गंदे हो गए। करनी करके क्यों डरे, क्यों पाछे पछताई, काके भाई बबूल के भैया याम कहां से खाई। भाई साहब तुमने भैया गजब कर डारो, काहे झूठी बतिया अपने बोलौ हाई भैया दा। जंगल का तुम कहू मेरी मनियाओ साथी जंगल की, दो मुसाफिर जंगल में घूम रहे थे, उन्हें कहा दीपावली का त्योहार है क्या मनोरंजन जानते हो, मैंने कहा नहीं जानते हैं, उन्होंने कहा जुआ खेलना जानते हो, मैंने जबरदस्ती उन्हें जुआ खिलाया। और भैया सुनो तुम्हारे खानदान में जो कोई ऐसो हो लिवाई लाभ देखे कितना, तुम्हारे खानदान में कोई जंडर या कोई आधारी है, हमसे कही तुमसे अपने कोई ऐसो को तुम्हारे खानदान में लिवा के लिए आओ भैया। धीरे ही